नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 100 न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा से है, जहां थाना हरिपर्वत पुलिस की वांछित बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़। एसपी सिटी के नेतृत्व में हत्या के मामले में वांछित चल रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और एक बदमाश मौके से भागने में सफल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। बदमाशों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल और तमंचा बरामद हुआ है। दरअसल 13 अप्रैल को हरिपर्वत थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक वृद्ध व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, जिसके पास से कुछ सामान भी लूट लिया गया था। इसी क्रम में थाना हरिपर्वत पुलिस ने इस मामले को बड़ी गहनता से देख रही थी। 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और कुछ लोग इसमें फरार भी थे। ये कौन सा अपराधी था और क्या वांटेड था, क्या इसकी स्थिति है? देखिए, 13 अप्रैल 2021 को फ्रीगंज एरिया जो हरिपर्वत थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे तिरंगा अपार्टमेंट में एक किशन अग्रवाल नाम के एक वृद्ध व्यक्ति की हत्या और लूट उनके घर पे हुई थी। कुछ पैसे और जेवरात वहाँ से लूट लिए गए थे। इसमें विवेचना के दौरान 6 लोग प्रकाश में आए थे। 4 लोगों को ऑलरेडी थाना पुलिस को और SOG को गिरफ्तारी करने में कामयाबी प्राप्त हुई है। और इसमें आज एक सूचना मिली थी कि 2 जो इसके वांछित अपराधी है, दोनों 25,000 रुपये के इनामी हैं। एक का नाम पंकज उर्फ नबंटी है, दूसरा विजय उर्फ करुआ है। ये दोनों लोग आज किसी ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए टीपी नगर था चौकी क्षेत्र में आने वाले हैं। घेराबंदी नाकाबंदी इनकी न की गई। जब गाड़ी इनकी मोटरसाइकिल जब यहाँ से गुजरी, उनको रोकने के लिए इशारा भी किया गया, परंतु ये लोग इशारे को नहीं माने और जब फोर्सफुली रोकने की इनको कोशिश की तो इन्होंने फायरिंग पुलिस के ऊपर ओपन कर दी। जवाबी कार्रवाई में इनके एक व्यक्ति को इसमें से गोली लगी है, दूसरा व्यक्ति मौके से भागने में कामयाब हुआ है। जिस व्यक्ति को गोली लगी है उसका नाम पंकज उर्फ बंटी है, 25,000 का इनाम यह है। मौके से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, कुछ खाली कारतूस, कुछ भरे हुए कारतूस जो है बरामद हुए हैं, एक तमंचा भी बरामद हुआ है। त्वरित इसको इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भेजा गया है।